ओके बेटा, इस सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप को सीडीएंस के थ्रू कैसे इंक्लूड करते हैं, बूटस्ट्रैप 5 को। सबसे पहले हम यहां पे आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, टेस्टिंग 2.html, और html का बेसिक सिंटैक्स आपको दे देना है, html 5। अच्छा जी, इसकी वजह यह है कि हमने इसको सिमॉल में रखना है, वरना ये बूटस्ट्रैप के जो सिनिप्ट है ना, उस तरह से लिखे गए, इशू है। टेस्टिंग डॉट एचटीएमएल, अब मैं लिखता हूं एचटीएमएल 5, तो अब अगर मैं इंटर करूंगा तो उसका बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा। अब सीडीएन बेटा कैसे इंक्लूड करेंगे, तो सीडीएन पहले समझ ले इंक्लूड क्यों करते हैं। सही है, सीडीएन का बहुत अच्छा फायदा है, अगर आप डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप यूज करते हो, सही है, तो इसका मकसद यह है अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है ना तो आपके वो कोड काम करेंगे। सही है, अगर आपके पास इंटरनेट घर पे नहीं है, यहां से आप डाउनलोड करके सेटअप लेके जाना चाहते हैं बूटस्ट्रैप का, तो ये दो फाइल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है और आप कोडिंग करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो सीडीएन भी काफी है। कौन सा क्लियर है, सीडीएन करते क्या है, कल को जब आप वेबसाइट अपलोड भी करोगे तो हम सीडीएन यूज करते हैं, डाउनलोडेड वर्जन यूज नहीं करते। इसकी वजह है, देखें आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसमें होता क्या है, सीडीएन का फायदा है अगर आप उनको यूज करते। CDN कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सही है बेटा, नेटवर्क का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है बेटा, देखें हमारे पास अगर मैं वेबसाइट अपलोड करता हूं तो उसमें सारे फोल्डर होंगे, ऑल फोल्डर्स होंगे, जिसमें बूटस्ट्रैप के फोल्डर, फोंडोसम के फोल्डर जो डाउनलोड करके यूज करूंगा, jQuery को यूज कर लेता हूं, है ना, या wow.js है, anime.css है, ये सारी थर्ड पार्टीज में डाउनलोड करके यूज कर लेता हूं। लेकिन देखा जाए तो इन सबकी सीडीएन भी होती, इन सबकी सीडीएन। अब आप क्या करते हो, आप जब अपनी वेबसाइट की होस्टिंग करोगे, चलो बना तो लोगे ना, बनाने के बाद क्या करोगे, उसको अपलोड करोगे एक सर्वर पे। सही है, आपका क्लाइंट का एक कंप्यूटर होगा और एक होगा सर्वर जहां पे आप अपनी वेबसाइट पूरी होस्ट करोगे, होता है ना होस्ट करना, यानी अपलोड करना, किसी भी आपके आप होस्ट से सर्विसेज खरीदते हो, होस्टिंग हो गई, डोमेन हो गया, और उस सर्वर पे आप अपनी वेबसाइट को क्या कर लेते हैं, होस्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपके सारे वेबसाइट के फोल्डर यहां पर अपलोड हो गए, इसका मकसद आपको अगर इंडेक्स का पेज, ये क्लाइंट का कंप्यूटर है जहां से आप index.html को ओपन करना चाहते हैं, होगा क्या, index.html पे अब बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है ना, फोंडोसम भी है, wow.js है, jQuery है, ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टीज इंक्लूडेड है, तो होगा क्या, सिर्फ इंडेक्स का पेज चलेगा तो वो सारे फोल्डर जो इसके अंदर पड़े हैं वो भी क्या होंगे, लोड होंगे। आंसर क्लियर हो गया, यानी एक ही सर्वर का काम क्या है कि सिर्फ इंडेक्स के पेज को चलाने के लिए, इंडेक्स की सपोर्ट के लिए जो 15 फोल्डर है वो भी क्या होंगे, लोड हो, क्योंकि आपने डाउनलोड करके वो सारे एक साथ कहां रखे हुए, उस फोल्डर के वेबसाइट के फोल्डर में रखे, यही है ना। अब एक तो होस्टिंग महंगी पड़ेगी कि नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स का स्पेस ज्यादा है ना, ये है। लेकिन अगर आप सीडीएन यूज करते हैं, सीडीएन का मकसद पता है क्या होता है, सीडीएन का मकसद जो अभी आप बूटस्ट्रैप का कोड डाउनलोड करके यूज कर रहे थे, है ना, डाउनलोड करके सेटअप भी आप रख रहे थे अपने वेबसाइट के अंदर, ऐसे ही था। लेकिन अगर आप क्या कर देते हो, कल को आपका यही सेटअप अगर किसी और वेबसाइट पे पड़ा हो और आपका काम भी हो, समझ में आ रहा है, यानी ये बूटस्ट्रैप का सेटअप पड़ा है, सपोज जैसे जेएस डिलीवर था, लिखा हुआ था जेएस डिलीवर, है ना, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे ये जो सेटअप हम डाउनलोड करके यूज करते हैं ना,
वो लोग उन सर्वर्स पे वो सारी चीजें अपलोड कर देते हैं और क्या दे देते हैं, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब इससे ही होगा, अगर आपने CDN यूज किया बेटा, आपके वही सपोर्ट, कौन सी सपोर्ट, जो अभी हमने डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप यूज किया ना index.html के अंदर, अभी पेज लोड होगा तो क्या होगा, इसी सेम कंप्यूटर पे ये पेज भी लोड होगा और ये पेज भी लोड होगा जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है, ऐसे ही। अब अगर आप CDN यूज करोगे पता क्या होगा, अब इस सर्वर पे लोड नहीं होगा, कौन सा सर्वर, जिस पे आपने वेबसाइट अपलोड की हुई है, अब आपकी एक index.html का पेज कहां से लोड होगा, सिर्फ इस सर्वर से, बाकी जो CDN या थर्ड पार्टीज हैं वो दूसरे सर्वर लोड करते रहेंगे। यानी जो सेटअप आप पहले यहां अपलोड करते वो ऑलरेडी यहां अपलोडेड है, अब उसकी सिर्फ डायरेक्ट हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी सेटअप हम पहले खुद डाउनलोड करते, खुद ही अपलोड करते अपने वेबसाइट के साथ, अब हमें उस सेटअप की जरूरत नहीं, सेटअप कहीं और ऑलरेडी अपलोडेड है, बस उसकी सपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एक बीच में CDN चाहिए। क्या चाहिए, CDN एज अ ब्रिज, कि वहां का कंटेंट यहां डिलीवर करे, इसका नाम ही क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि वो जो कोडिंग है वो डिलीवर करे नेटवर्क के थ्रू बाय यूजिंग नेटवर्क, यानी इंटरनेट का होना लाजमी। कौन सा क्लियर हो गया, तो हमारा index.html जब कोई यूजर कहीं से भी एक्सेस करेगा तो वो आपका जो इंडेक्स पे बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, अब वो उस आपके एक सर्वर जहां पे आपने वेबसाइट अपलोड की वहां पे नहीं है, सेटअप कहीं और से लोड होगा दूसरे सर्वर से, और हमारा पेज कहां से लोड होगा, उसी सर्वर से। कौन सा क्लियर हो गया, तो हमारा क्या है इसमें, एक तो स्पेस बच रहा है कि वेबसाइट के पांच अगर पेजेस है तो वही है, बाकी थर्ड पार्टीज है कहीं और पड़ी, एक तो ये हो गया। दूसरा फायदा कि CDN के यूज करने से हमारे पास कोड कंसिस्टेंट हो गया, वो एक सर्वर पे ट्रैफिक नहीं पड़ रही, जिस पे हमने वेबसाइट अपलोड की है उस पे अब आपकी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, डिफरेंट सर्वर जो हैं जिन पे आपके वो CDN या वो कोड पड़े अब वो अपना काम अलग से कर रहे हैं, ये सिर्फ वेब पेज का काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वेबसाइट फास्ट चलेगी इफ यू आर यूजिंग CDN। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि कल को जाहिर है वेबसाइट चलेगी तो ऑनलाइन ही ना बेटा, ठीक है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है, ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, क्या है ये, ओपन सोर्स, आपने बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया और उसमें पूरी चेंजेस खुद ही कर दी, तो फिर CDN मत यूज कीजिएगा, क्योंकि आपने सेटअप उठाया उसको अपने मर्जी से चेंज कर लिया, सही है, यानी जो कोड लिखे हुए थे उनको आपने खुद मॉडिफाई किया, बटन दिख रहा था BTN डेंजर पे रेड, आपने कर दिया बिल्लू, यानी उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर ली ना, बूटस्ट्रैप तो ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, अपने मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अगर आपने ये किया है तो फिर CDN नहीं देंगे, CDN में तो ओरिजिनल वाला बूटस्ट्रैप आएगा। आंसर क्लियर है, इस तरह से तो फिर तो आपको अपलोड करना ही, ठीक है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या करते हैं, किसी भी फ्रेमवर्क को उठाते हैं उसी से अपना फ्रेमवर्क बना लेते, यानी उन्हीं कोड्स को चेंज करके अपने हिसाब से कोडिंग कर लेते हैं। उनसे क्लियर, तो इस सिनेरियो में आपको लाजमी अपलोड करना है, और अगर आप ओरिजिनल ही बूटस्ट्रैप जो है उसी को यूज कर रहे हैं तो फिर आपके CDN काम कर लेंगे। तो मैं CDN समझा देता हूं कैसे यूज करेंगे आप। CDN को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी वेबसाइट पर जाना है जहां से बूटस्ट्रैप आपने डाउनलोड किया था, ठीक बेटा, आपने डाउनलोड पे क्लिक किया था, डाउनलोड के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहां पे ये देखें, ये क्या मिल रहा है, JS डिलीवर मिल रहा है। मैंने कहा ना JS डिलीवर क्या है, टू डिलीवर कैश्ड वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप कंपाइल CSS एंड JS टू योर प्रोजेक्ट, यानी ऑलरेडी कहीं और जगह एज ए स्टोर किया हुआ, आपको सिर्फ क्या करना है, यूज करना, आपको डाउनलोड करने की जरूरत, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, कि उस वेबसाइट की आपकी वो चीजें आ रही ना यहाँ पे। इस तरह से मैं यहां आता हूं, हेड के अंदर क्या कर देता हूं, कॉपी कर लिया वहां पे बटन गिवन था और यहां पे आके पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे एक है लिंक, जो वही आपकी CSS की चीजें इसमें इंक्लूडेड है, और दूसरा कौन सा है,
ये देखिए bootstrapmin.css वही फाइल है ना बेटा, आपको नजर आ रही होगी bootstrapmin.css ही है ना। अभी कहां पड़ी है? अब इनकी वेबसाइट पे पड़ी है, जेएस डिलीवर वालों के पास। उनका काम अब क्या है? डिलीवर करना चीजें, सेटअप इनके पास पड़े, वो सर्विसेज देते बस, सही है। इसी तरह नीचे जावा से पड़ी है bootstrapmin.js, सही है। तो बंडल भी मैंने कहा आपको यूज करना तो कर सकते हो, वरना हमारा min.js से भी काम चल जाता है। बॉडी टैग एंड होने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करना है। कल को आप jQuery इंक्लूड करेंगे तो लाजमी है कि इस जावास्क्रिप्ट से पहले jQuery रखेंगे। कौन सा क्लियर है? क्योंकि जब पेज लोड होता है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है कि पहले ये चीज लोड होगी, फिर ये लोड होगी, फिर ये लोड होगी। कौन सा क्लियर हो गया? राइट, तो इस तरह से इंक्लूड करेंगे। अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बटन, इसको क्लास दे देते हैं जी btn और btn info, और इसका नाम हम रख देते हैं टेस्टिंग cdns, ठीक है जी। सेव दिस और इसको चलाते हैं लाइक सर्वर पे या ब्राउजर में ऑन कर लेते हैं। ये रे अप्लाई हो चुका, इसका मकसद cdn भी काम कर, सही है। CDN क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज नहीं करते, CDN के थ्रू कैसे Bootstrap 5 को यूज करते हैं, 4 का भी तरीका यही है और 3 का भी यही है, 5 का भी सेम है, डाउनलोड करके यूज करने का भी और CDNs के थ्रू यूज करने का। लेकिन 3 और 4 में हमारी jQuery भी इंक्लूड होती थी, 5 में jQuery की सपोर्ट इन लोगों ने निकाल दी, सही है बेटा। तो ये था हमारे पास हाउ टू यूज अ Bootstrap विद CDNs।